अगर आप लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजबूती से नहीं करोगे तो उसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी लोग मिलकर एक मजबूत कानूनी कार्रवाई करें। आज 11:30 बजे का टाइम जॉइंट सीपी साहब ने और डीसीपी साहब ने यहाँ पे दिया था उन लोगों को, लेकिन ना तो जॉइंट सीपी साहब अंदर हैं ना डीसीपी साहब अंदर हैं। कल जो इंद्रलोक में एक बहुत ही विभत्स घटना, एक पुलिस अधिकारी की शक्ल में एक अपराधी ने की थी, एक बड़ी साजिश के तहत जो अपराध किया गया था, कल रात को मुझे वहाँ के मकामी लोगों ने बुलाया था, मैं वहाँ गया था और मुझसे कानूनी मदद मांगी गई थी और एक कंप्लेंट कराने के लिए कहा गया था। आज 11:30 बजे का टाइम जॉइंट सीपी साहब ने और डीसीपी साहब ने यहाँ पे दिया था उन लोगों को, लेकिन ना तो जॉइंट सीपी साहब अंदर हैं ना डीसीपी साहब अंदर हैं। और अभी कंप्लेंट लिखवाने वाले भी अब करीब एक बज गया है, तो कंप्लेंट लिखवाने वाले भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तो मैं सिर्फ अपने एससी एसटी और माइनॉरिटी के समाजों को, ओबीसी के समाजों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजबूती से नहीं करोगे तो उसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। कानूनी कार्रवाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें हक दिया है और कानून के द्वारा कार्रवाई जो होती है वो सबसे मजबूत कार्रवाई होती है। कोई जोश में आके, कोई नेता ज़रूर बन सकता है, कोई जोश में आके अपना पर्सनल फ़ायदा आप लोगों के दुख और परेशानी में उठा ज़रूर सकता है, लेकिन असली जो सलूशन है वो है कानूनी संवैधानिक मजबूत कार्रवाई। उसके लिए मैं आज स्वयं यहाँ पिछले 1.5 घंटे से खड़ा हूँ और मेरे साथ एडवोकेट बदलिया साहब हैं जो इस केस में वकील, हम लोगों ने गुजारिश की है इनसे, दयाराम बदलिया साहब से, रनौत साहब से, ये दोनों भी इसमें वकील रहेंगे। लेकिन बुनियादी बात एक ये है कि पूरे समाज को मिलकर इन चीज़ों के बारे में मजबूत कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हमें सबको एकजुट होना है, संविधान के हिसाब से किया हुआ कार्य सबसे बेहतरीन होता है। मैं फिर हमारी सारी तंजीमों से ये गुजारिश करूँगा कि मजबूत संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हों। ऐसी कोई भी परेशानी आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान उसको सही न्याय दिलवाने में सक्षम है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी लोग मिलकर एक मजबूत कानूनी कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।